बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफी देर बाद जो है वो वीडियो डालना शुरू किया। इंशाल्लाह मैं रेगुलर हो जाऊंगी। तो वीडियो अपलोड लेट क्यों की थी, पहले जो मैंने वीडियो डाली उसमें बता दिया, क्योंकि कुछ स्टडी इश्यू की वजह से जो था वो मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था इस वजह से। तो आज जो मैं जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ वो हिमालया का फेस वॉश है और एसटी लीव्स का स्क्रब है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पहले जो आप मेरे चैनल पे फेस वॉशेस के रिव्यूज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन ये नया फेस वॉश ट्राई किया था तो मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है इसका रिव्यू कर दूं। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में इन दोनों की प्राइस बताई थी, लेकिन मैंने आपको इसका टोटल रिव्यू नहीं करके दिखाया था क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया हुआ था। लेकिन अब मेरे 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो मैं इनको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ, फेस को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ और स्क्रब को जैसे यूज करते हैं वैसे यूज कर रही हूँ। तो मैं अब आपको इसका रिव्यू जो है वो प्रॉपर दे सकती हूँ क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। तो पहले हिमालया का फेस वॉश की बात कर ली जाए तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ जो मेरी फेस वॉशिज वाली वीडियो है, मैं हिमालया का जो फेस वॉशिज है वो मेरे फेवरेट फेस वॉशिज है। लेकिन पहले जो है वो मैं कोकम्बर वाला यूज करती थी, तो इस दफा मैंने जो टेस्ट चेंज किया तो मैंने हिमालया के ब्रांड का जो है फेस वॉश वो डिफरेंट फेस वॉश ले लिया। हिमालया फ्रूट मास्क फेस वॉश है ये, पपाया और प्लस एप्पल का मिक्सचर है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है और ये सोप फ्री होता है। सोप फ्री का फायदा ये होता है कि उससे झाग नहीं बनती, दूसरा वो केमिकल फ्री होता है क्योंकि जिसमें सोप हो वो उसमें थोड़े बहुत केमिकल होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें सोप नहीं है। तो ये क्या काम करता है, ये डीप क्लींजिंग करता है जो आपकी स्किन को है वो क्लीन कर देता है और जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है। तो इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये छोटा पैक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी तो इसलिए मैंने इसका पैक छोटा लिया क्योंकि ट्राई करना था तो फिर ही मैं इसका बड़ा पैक लेती। तो इसका जो स्मॉल पैक है वो 175 का है, वैसे 150 का, लेकिन 25 जो रुपीज है वो एसटी है, मतलब कि सेल्स टैक्स एड करके वो ये 175 में मिलेगा। तो ये इसमें क्वांटिटी आई थिंक सो 50 ml इसकी क्वांटिटी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो ये 3 to 4 वीक्स जो है इजीली चल जाएगा। तो आप इसको आपने यूज कैसे करना है, इसका टेक्सचर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका टेक्सचर जो है ये देख सकते हैं, क्रीम बेस इसका टेक्सचर है, येलो कलर में है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आपने फेस पे अप्लाई करना है, फेस पे ज्यादा अप्लाई नहीं करना क्योंकि मैं आपको पहले बता रही हूँ इस हिमालय के जितने भी फेस वॉशेज हैं उसकी झाग नहीं बनती क्योंकि वो सॉफ्ट फ्री होते हैं। तो आपने इसको यूं अप्लाई करना और देन आपने पानी लगाकर या रोज वाटर से आपने इसको अच्छे से मसाज कर लेनी और देन आपने वाटर से आपने इसको धो लेना, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी को बाय करूंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। तो इसका नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह बड़ा पैक परचेज करूंगी तो उसकी भी प्राइस बता दूंगी। इसमें ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट फेस वॉश है, ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट फेस वॉश है और कम्बिनेशन स्किन के लिए डिफरेंट फेस वॉश है। तो मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो इसलिए मैंने ये परचेज किया। ये वो गर्ल्स यूज कर सकती हैं जिनकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है। ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट फ्रूट का वाला जो है वो फेस वॉश अवेलेबल होगा मार्केट में, तो आप वो परचेज कीजिएगा। तो अब आपने इसको ऐसे यूज करना है और इसके बाद आप इसको एक दिन में 3 times भी यूज कर सकते हैं, 1 day में 3 times भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह फेस वॉश या आप सोप यूज करते हैं उसकी जगह ये यूज करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा। मैं इसको 2 वीक से यूज कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट फेस वॉश हो गया। देन बात कर लेते हैं ये स्क्रब की। स्क्रब जो है मैं ऑलरेडी स्क्रब की एक वीडियो डाल चुकी हूँ, वो डिफरेंट ब्रांड का स्क्रब था, अब मैंने डिफरेंट का जो है वो ट्राई करना चाहा, मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसका रिव्यू करूं। तो ये जो एसटी लीव्स का फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब जो है वो मैं यूज कर रही हूँ। इसको मैंने 5 to 6 times अभी तक यूज किया है। ये पहले वाले से स्क्रब जो है वो ज्यादा अच्छा मुझे लगा। एक तो ये करता क्या, पहले ये बता देती हूँ इसके प्राइस, इसमें क्वांटिटी क्या है और इसको यूज कैसे करना है, देन वन बाय वन जो है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो एप्रिकॉट ये स्क्रब है, ये डीपली एक्सफोलिएट टू रिवील स्मूथ एंड रेडियंट स्किन, के मतलब कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन को जो है स्मूथ करता है।
अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने इसको अगर ड्राई स्किन वाली गर्ल्स हैं तो वीक में 2 times यूज करना है, ऑयली स्किन गर्ल्स हैं जो वीक में 1 time यूज करना है, और अगर आप एक्नी प्रोन स्किन है, अगर आपके फेस पे एक्नी है तो आपने स्क्रब जो है वो यूज नहीं करना, क्योंकि स्क्रब जो है वो आपके एक्नी को जो है वो एक्नी स्पॉट्स को जो है वो आपके स्किन पे परमानेंट कर देता है, तो आपने स्क्रब यूज नहीं करना। अब इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस जो है आई थिंक सो 375 या 400 में मुझे मिला था ये स्क्रब। ये पैक बड़ा है इस बनिस्बत इसके, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस भी 375 से अबव नहीं होगी, आई थिंक सो 375 इसके प्राइस है, क्योंकि मुझे याद नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने आपको ओरिजिनल प्राइस बता दी हुई थी, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी की बात कर लीजिए तो वो ये 150 ml है इसकी, ये मैंने यूज किया हुआ, ये बहुत अच्छा स्क्रब है। पहले मैं और स्क्रब यूज करती थी लेकिन आजकल मैं ये यूज कर रही हूँ, तो इसमें ग्रेन्यूल्स हैं वो भी मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो इसकी भी स्मेल जो है वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं है, बहुत सी लाइट सी स्मेल है, इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स ऐसे हैं जैसे कि एप्रिकोट के ओरिजिनल में ग्रेन्यूल्स होते हैं बिल्कुल वैसे। आपने इसको स्किन पे लेना है, आप इसको नेक और अंडर नेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईज पे और लिप्स पे मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन पे यूज नहीं करना चाहिए स्क्रब को। तो आपने इसको क्वांटिटी को जितना भी आपने अप्लाई करना है वो लेना है, और आपने इस तरह हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अपने फेस पे, और देन पानी लगा के या रोज वाटर लगा के आपने इसकी मसाज करते रहना 3 to 4 minutes। आप 5 minutes भी कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले जो 3 to 4 minutes ही करें तो बेहतर है, और एक्नी स्किन प्रोन जो है वो यूज ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है, अच्छी बात है। आपने इसको इस तरह यूज करना है और इस वाटर लगा के इसकी मसाज करनी है, और देन आपने इसका रिजल्ट देखना है। आपने इसको वीक में सिर्फ 2 times यूज करना है। अगर आप ऑफिस गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप ड्राई स्किन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको वीक में 3 times भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रब जो है वो आपकी स्किन डेड स्किन को और जो डस्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करता है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज कर चुकी हूँ। मैं इसका रिव्यू बहुत पहले कर सकती थी लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी नहीं किया। अब मैंने इन दोनों चीजों को यूज कर लिया हुआ है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर मुझ पे ट्रस्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।